अभी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं आखिर पे ये भी कह दूंगा कि क्यों आज मुझे सुना नहीं जा रहा। मैं आज बोलूंगा, पहले मैं नहीं इतना बोला, आज बोलूंगा। जब हम मुशर्रफ आना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। ये स्टेट ने मिनते कर करके, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिनते की है फौज की, फौज की मिनते की है कि हमसे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। एक दफा फौज को बुलाते हो, दूसरी दफा उन्हीं पे केस करते हो। किधर छुप के बैठ गए ये स्टेट वाले? किधर छुप के बैठ गए ये स्टेट वाले? क्यों नहीं सेक्टर इंटीरियर आता, क्यों नहीं एसएसपी आता कि हमने मिनते की थी फौज को, आओ, लाल मस्जिद वाले हमें मार रहे हैं। और मैं 10 दफा कहा ये केस गलत है, गलत है, गलत है, कानूनी तौर पे भी गलत है। आर्टिकल 245 का है कि फौज को जब बुलाओगे आप केस नहीं कर सकते। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 132 मैंने कहा है कि आपको अगर फिर भी कुछ करना है तो आप जाओ, जाके पहले इजाजत लो। खुद ही उनका नाम निकालते हैं ईसीएल से, खुद ही कहते हैं कि जी ये चले गए। जनरल मुशर्रफ कोई भगोड़ा नहीं है, जनरल मुशर्रफ वापस पाकिस्तान में आना चाहते हैं। कब आएंगे जनरल साहब? जनरल मुशर्रफ आज ये सिक्योरिटी दें, विद इन 4 to 6 वीक्स यहाँ पे आएंगे। तो पहले भी तो सिक्योरिटी मिलती रही? नहीं, सिक्योरिटी मिली आज तक नहीं मिली, आज तक थ्रेट है उनको दे सिक्योरिटी। तो बंदर बख्तरबंद गाड़ियों का, वो छोड़े बख्तरबंद गाड़ियों को, वो भी उठती हैं गाड़ियाँ। वो वीडियो जाके देखे जिनपे लोग यहाँ पे वका को मार दिया गया था, यहाँ भी मार दिया गया था, आज तक क्या फैसला हुआ है? दे सिक्योरिटी हमें, दे सिक्योरिटी, हम पेश होंगे। हालांकि हमारे पे कोई केस नहीं है, सब झूठा केस है। इसके अलावा बाकी भी झूठे केस है सारे। अभी जज साहब ने क्या रिमार्क दिए? मुझे नहीं इसका पता, 2 बजे को फैसला करेंगे वो, ठीक। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मैंने कानून बताने की कोशिश की है, सब वाजिया किया कानून, मैं आज आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कि इस कानून के अंदर आर्टिकल 245 के तहत फौज को नहीं उसके ऊपर केस किया जा सकता। और जनरल मुशर्रफ का तो है ही को नहीं, इसमें केस ही को नहीं है। जनरल मुशर्रफ इज टोटली क्लियर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक दफा मिनते करती आओ, हमारी मदद करो, फिर आगे आते नहीं है। अब तो सही क्या हाल है।